हेलो, आई आकाश शर्मा, दिस इज यूए कैपिटल। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पे सीधा गैप डाउन हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट करना था लेकिन गैप डाउन होने के बाद नहीं करना है, फर्स्ट कैंडल में तो बिल्कुल नहीं। अगर ये कैंडल थोड़ा सा निगेटिव हो जाता, सस्टेन करता तो हम ले लेते, लेकिन ये फ्लक्चुएट करके जोर से कवर कर दिया मार्केट में, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट नहीं हुआ है। लेकिन डेफिनेटली हमने यहाँ पे बाय लिया होगा इसके ऊपर, और अगर बाय लिया तो इसका 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। लेकिन ये फिर से ऊपर से जब नीचे आया था तब इसके नीचे आपको शॉर्ट करना था 80 के नीचे, 480। तो 480 से नीचे गया है वो अराउंड 380, मतलब 100 पॉइंट का रैली। सुबह अगर ये हमारा लॉस है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लॉस जो था, यहाँ पे प्रॉफिट जो था, हमारा लॉस प्रॉफिट कट हो गया और हमारा जो दिन है वो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहा इन निफ्टी। और अभी देखते बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला था इसके ऊपर नहीं तो इसके नीचे ही करेंगे, और कल के दिन भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। जब तक इस चैनल में बैंक निफ्टी है तब तक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, और जब एक जोन में कोई भी स्क्रिप्ट अटक जाती है तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जा सकता है, किसी भी लेवल से वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे एक्ट कर सकता है। तो दैट इज वाई रिस्क बढ़ती है, तो बेटर है कि यहाँ पे ट्रेड ना करें। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ है फ्राइडे, मंडे के दिन भी सेम ही लेवल में आपको दूंगा, इसके ऊपर ही बाय करना है। 45,770 के ऊपर ही आपको करना है बाय, और शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे करना है, 44,900, 44,900 के नीचे ही शॉर्ट करना है। अंडरस्टूड हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज मंडे। वेरी गुड। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और देखते हैं अभी निफ्टी का एनालिसिस। ये रहा हमारा निफ्टी। निफ्टी में हालांकि हमारा पहले एक लॉस हुआ है, उसके बाद हमें प्रॉफिट देके उसने कवर किया है। तो फ्राइडे के दिन ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड हमें नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है। अभी कल के दिन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5th एक ही लेवल का रेजिस्टेंस लिया है 5 टाइम्स, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाएगा तो शायद मार्केट का एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है, और फाइनली इसको ब्रेक करे तो और बड़ा मोमेंटम बढ़ेगा। लेकिन ये जो लेवल है ये भी लेवल बहुत क्रूशियल था, जिसका सपोर्ट अभी भी ले चुका है मार्केट। तो अगर इसको तोड़ दिया तो डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन बन सकता है यहां तक और यहां तक, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया है, फिर से थोड़ा ऊपर गया और फिर से नीचे ब्रेक डाउन दिया है, तो और थोड़ा यहाँ तक जा सकता है, तो 19,300 के आसपास जा सकता है। तो ट्रेड करना है तो कहाँ पे करेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड कर सकते हैं 19,370 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, 30 के आसपास जाएगा, और अगर वो ब्रेक करे तो 300 के आसपास जाएगा, मतलब 30 नहीं तो 70 पॉइंट का रैली आपको मिल सकता है निफ्टी फॉर मंडे। और बाय करना है तो एक लेवल दूंगा, ये इसके ऊपर ही बाय करेंगे, मतलब 19,570 के ऊपर हम बाय करेंगे, और हमारा पहला टारगेट होगा 600 और उसके बाद 640। Understood how to trade in Nifty and Bank Nifty for tomorrow, that is Monday. तो अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको हमारी बेसिक शेयर मार्केट की फ्री ईबुक चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना है #UATrader और आपका ईमेल आईडी हम उस पर सेंड कर देंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। आई एम आकाश, दिस इज यूए कैपिटल। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट।